हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो मैं आपका दोस्त जुगाड़ी वर्मा जी लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको हमारा जो कूलर का रेगुलेटर होता है रोटरी स्विच, वो हम कूलर की मोटर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 2 मिनट में कनेक्शन आप समझ आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप देखिए, ये हमारी कूलर की मोटर है, उसकी वायर आ रही है। इसकी वायर आती है हमारे पास 4, तो ये देखिए रेड ब्लैक ब्लू एंड वाइट। तो आपको क्या करना है, ब्लू को अलग कर लेना है, बची हमारी 3 वायर रेड ब्लैक एंड येलो। तो इनको हमें अलग करना है, ब्लू को हमें अलग रखना है। तो ये तीनों वायर देखिए दोस्तों, अब कैसे कनेक्ट करनी है आपको। जो वाइट रेड और ब्लैक है वो रेगुलेटर में 1 2 3 किसी में भी कनेक्ट कर दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप रेड को 2 में करिए, 1 में करिए या 3 में करिए, तो आप ये तीनों इसमें कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बची हमारा एल पॉइंट, जो अंदर की साइड पिन होती है, थोड़ा अलग दिखती तीनों से। ठीक है, उसमें हम लगेगी जो हमारी बाहर से वायर रहती है, हमारी मेन सप्लाई जो हम प्लग में लगाते हैं, जो हम ये वाली वायर होती है मेन, जो हम प्लग में लगाते हैं। तो उसकी वायर एक हमारी रेगुलेटर के एल पॉइंट में लगेगी और एक वायर हमारी सीधी जो मोटर की आ रही है डायरेक्ट इसके साथ जुड़ेगी। बस इतना ही काम है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। आपकी मोटर इस रेगुलेटर से काम करनी शुरू हो जाएगी। तो आपको कनेक्ट समझ आ गए होंगे। अगर इसमें भी अगर कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ आता है, अगर पंप का कनेक्शन साथ चाहिए, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे कॉल करके पूछिए। कुछ भी प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं समझ सकता हूँ लॉकडाउन है आपके, तो आप बाहर जा नहीं सकते, तो मैं आपको पूरा पूरा सपोर्ट करूँगा। तो मुझे आप बताइए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।